आप भी फल खा लो, इसे ठंडी दूर होती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 6। दोस्तों, रात भर से बारिश हो रही है, अभी भी नहीं रुकी है। यदि मेरा ये वीडियो शुभम देख रहा है तो स्पेशली उसको थैंक्स। मैं उसको थैंक्स क्यों बोल रहा हूँ वो समझ गया है। मैंने एडिटिंग कम्प्लीट कर दी है, वीडियो को अपलोडिंग पे लगा दिया है। गाइज, वीडियो आप लोगों को 10 बजे देखने को मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करिए दोस्तों। अब गाइज, ये बारिश अभी रुक जाए वरना आज का वीडियो कुछ ज्यादा लंबा नहीं बन पाएगा, क्योंकि घर का व्लॉग कुछ ज्यादा खास नहीं होता है और मन भी नहीं पाता है। गाइज, घर का व्लॉग बनाने में कुछ ज्यादा खास नहीं दिखा पाता हूँ मैं, इसलिए आई होप ये बारिश अभी रुक जाए। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, रात भर से चल रही है। बाहर उजाला तो हो गया है लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी है। मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा देता हूँ। गाइज देखिए, यहाँ पे चारों तरफ बारिश ही बारिश हो चुकी है। यहाँ पे मौसम देख सकते हैं आप, अभी रुकी है थोड़ी बहुत। रात को जो बारिश हुई थी उस वजह से खेतों में पानी पानी हो गया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए, इस पूरे खेत में पानी पानी हो चुका है। यहाँ पे पूरा पानी पानी हो रखा है, देखिए। अब इस निकलने की जगह और नहीं है यहाँ से इसको, यानी अब हमें पानी पिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छा हुआ बारिश हो गई। गाइस, बहुत दिनों के बाद आज मौसम साफ हुआ है, धूप निकल चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, गेहूं में भी आप पानी देख सकते हैं, चारों तरफ पानी पानी हो चुका है खेतों में। गाइस, हमने जहाँ पर प्याज और टमाटर उगाए थे वहाँ पर पानी पानी हो गया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सब में पानी भर चुका है, बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है इनमें सब में। देखिए, पेड़ पौधे देखिए, अंधेरा हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो चुका है। अब दादाजी घर पे आए हैं, उनसे मिलते हैं। उनसे मिलते हैं, दादाजी आ गए। कहाँ पे गए थे इतनी देर? किराना देने के गए थे। अच्छा, वहाँ पे लाखों आदमी आ रहे हैं। और क्या क्या करे अभी यहाँ पे? दर्शन शादी का भोग लगा रहे हैं। कितने बजे जाते हो सुबह? सुबह 4 बजे जाते हैं मंगला आरती। अच्छा, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वहाँ पे कल्याणधनी के पास? बहुत लंबे आते हैं, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता। अच्छा, इतनी दूर से आते हैं? उड़ीसा, नेपाल। और कल्याण जी की क्या विशेषता है बताओ? देखिए तो कल्याण जी की अच्छी व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था है, भोजन प्रसादी लेना देना, दंडवत भी लगाते आते हैं। मैंने बहुत सुना है कि कल्याण जी के 56 भोग लगते हैं, तभी लोगों को नहीं पता है कि 56 भोग क्या होता है, बताओ दादाजी। मिठाई के भोग लगते हैं, 56 प्रकार की मिठाई होती है। अच्छा, महा मिष्ठान की मिठाई होती है अलग अलग प्रकार की, उसका 56 भोग लगता है, 56 तैयारी होती है। अच्छा, उसका प्रसाद बांटा जाता है। फिर वो कौन रखते हैं उन 56 भोग को लगाते? 56 भोग को लगवा के प्रजा को बांटते हैं। दादाजी, हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ काम को करके छोड़ देते हैं, हमसे वो पूरा नहीं होता है। आप अपने जीवन से कुछ सीख दीजिए, आप इतने बुजुर्ग हो गए, हमें बताइए कि हम जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, क्या करें हम? आप पढ़ने की रुचि रखो। अच्छा, और दूसरे की टिप्पण मत करो। अच्छा, खुद की सोच से दिमाग लगाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो, ऊंची नौकरी का प्रश्न उठाओ, और घर वालों को भी आगे बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ाए घर वालों को, क्या करें आप? आगे लगोगे जब भी तुम्हारे को बढ़ाएंगे। अच्छा, तो हम हमारे जब भी तुम्हारी होगी आगे, तो हम कुछ काम करते हैं उसे थोड़ा ही करके छोड़ देते हैं, वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाते, क्यों? उनका पूरा काम करना, अधूरा काम कभी नहीं करना। अच्छा, करना जिसको पूरा करके छोड़ना। हाँ, आगे बढ़ना। आप हमारे भीड़े को देखो। हाँ, हम मैं और दादाजी मिलके बनाते हैं वीडियो को, आपको इसको देख के आगे बढ़ाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करो इसको। हाँ, लाइक करो, वीडियो को देखो, वीडियो के देखो कितना आगे पहुँचाओ, आगे के पास बढ़ाते आपके पास। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है आपको बताओ, हमें कमेंट करके बताओ, हमारे कमेंट करके बताओ। हाँ, और हमें बुजुर्ग आदमी तो हमारा भी कुछ ध्यान रखो। आपसे पूछता हूँ एक बात कि जब आपके पिताजी सरपंच थे, ठीक है, है ना, जब आपके पिताजी सरपंच थे तब आप क्या करते थे? हम खेती करते थे। तब से खेती कर रहे हो आप अभी? हाँ, अभी खेती कर रहे हैं हम। मतलब एक चीज को लगातार कर रहे हैं, छोड़े नहीं कभी भी? कभी भी छोड़े नहीं खेती को। हाँ, आज दिन तक 70 साल की उम्र होगी हमारी। और आपके पिताजी का कितना का नाम था, मतलब मेरे दादाजी बड़े दादाजी? पूरे संसार में था नाम उनका, सब जानते थे, पूरे समाज में। हाँ, जाट समाज। दादाजी, आपने सुना कि 2 साल से कोरोना चल रहा है और इस कोरोना की वजह से हमारे बहुत सारे भारत के लोग मर गए,
ये बीमारी क्यों आई? क्या आपके टाइम में ये बीमारी नहीं आती थी क्या? हमारे टाइम में क्या होता था कि मक्की की घाट बनाती थी, अच्छा खीरा बनाती थी, झोंका दलिया बनाती थी, मोटा अनाज खाती थी, तिलू का तेल खिचड़ी में खाती थी, घाट में भी खाती थी, गुड़ भी खाती थी, छाती भी खाती थी। मतलब आज के लोग तो ये कुछ भी नहीं खाते। आज के लोग तो जानते ही नहीं है कि ये क्या चीज है, दही क्या होता है ये नहीं जानते। सही बात, छाछ क्या होती है, दूध क्या होता है। तो आप शुद्ध मतलब शुद्ध खाना खाते थे? शुद्ध चीज खाते थे, खुदा से पैदा करते थे। तभी बीमारी सुनी नहीं, नाम नहीं सुना कभी। आज हर प्रकार की बीमारी गुजरी है। हाँ तो वो इस वजह से हो रही है कि ये मतलब उल्टा खाना खा रहे हैं आप, जहर खा रहे हैं आप, जहर खा रहे हैं, घर का खाना नहीं खाते। और उसमें क्या कि पहले गाय गोबर का गाय का खाद मिलाते थे, आज नमल कैसा कैसा खाद डालते, उसे मर रहे, उसे कोरोना आ रही। सही बात है, सही। हाँ वरना पहले कोरोना क्या होता है? सही है, पहले आता ही नहीं। अगर अभी हम खाते हैं ना तो हमारे कोरोना आगे आगे भागता है। सही बात है, आप इतने उम्र के हो गए फिर भी इतनी फुर्ती, क्या राज है आपकी फुर्ती का ये बताओ आप तो पहले। हमारी फुर्ती तो आज भी इतनी है कि आजकल के हमारे पास कहाँ भी नहीं लगती। सही बात है, तो क्या फुर्ती है राज, क्या इस फुर्ती का, क्या खाते हो ऐसा आप? हम देखो ऐसा है, घी भी खाते हैं, गुड़ भी खाते हैं, अच्छा दूध भी पीते हैं, मोटा खाना खाते हैं। आज के समय में किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए माता पिता के अलावा, कि बोलते क्या है, करते क्या है, घात करते हैं और खोटी शिक्षा देते हैं। ऐसा करो तो वैसे वो आगे बढ़ोगे, झूठा चाचा देते हैं, झूठा लूटते हैं। खुद के ऊपर विश्वास करो बस, और खुद का न खुद का अंतर ध्यान करो, खुद के आत्मे से आपके ऊपर विश्वास करो, दूसरे विश्वास करना जुलूम है। और समय ऐसी आ रही है कि वह किधर चल रही है, इधर लंका में और जा रही है उड़ीसा में, मतलब झूठा चाचा, अच्छा उल्टी हवा चलती है। फोन मिलाते हैं, कहाँ हो तुम? हम बगीचे पे हैं। अरे वो बावड़ी पे बैठा, अच्छा झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है। अरे बकरी वाले इधर आ जा तू, यहाँ झाड़ बढ़िया लग रहे हैं, अरे झाड़ कुछ नहीं है, उसको बुला लिया झूठा जैसा देखे, ऐसा काम चल रहा है। अरे गाय वाले इधर आ जा तू, इधर चारा मोखला पड़ा है, अरे वहाँ कुछ ही नहीं है, वो आ गया लोभ में, ऐसा काम चल रहा है दुनिया में। पर हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, बच्चे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, लगाया कान, हाँ हेलो, अरे आप हाँ आ जाओ, आप वहाँ आ जाओ। सही बात है, मैं वहाँ आ रही हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ, मैं भी वहाँ मरूँ, तुम भी यहाँ मरो, ऐसा काम कर रहे हैं। ये संसार ही बिगड़ गया, क्योंकि शिक्षा तो समझते नहीं है, हमारे समझ लिए फाटाबाज, मतलब ऐसे समझते हैं कि फाटा लगा, ये तो फाटाबाज है। एक बच्ची बोली, दादी हमारे गुरु जी बराबर कैसे बैठे? मैंने कहा बेटा सोच समझ के बैठा हूँ, तेरा गुरु जी मेरा सम्मान करेगा, अच्छा। मेरा अपमान नहीं करेगा, सम्मानित करेगा मेरे को, समझते हो आप? इधर आओ, पढ़ी हो आप? क्या पढ़ रही हो? संस्कृत पढ़ रही हो क्या? अच्छा, या इस प्रश्न का उत्तर बताओ। हम तो पढ़े नहीं, उनका गुरु जी नहीं पढ़ती क्या कि इनको गोल के पिलाए क्या? सही बात है, इनके माँ बाप ही तो फजूल है, हम क्या करें? आपको तो इनको पानी में गोल के पिला दूँ, मैं क्यों कह दूँ? इनके गुरु के पैसे फोकट गए, पढ़ती तो नहीं, लापरवाह करी तो हम क्या करें? और ज़्यादा धमकी देते हैं तो हमारे घर के लट बजाते हैं, बोल ही नहीं सकते हम, ऐसा काम करते हैं। आपके टाइम में ऐसा नहीं होता? हमारे टाइम में बिल्कुल ही फोन फान लेना देना कुछ भी नहीं था, गाड़ी घोड़े भी नहीं थे, घर के अंदर साइकिल भी नहीं थी, पैदल जाते थे 20 को जयपुर, पैदल ही आते थे, पैदल ही यात्रा करते थे, अदो गाड़ी घोड़े में चलते थे साहब यात्रा करने, क्या उनका क्या बिगड़ा? पैर से चलो, जब जब यात्रा मानी जाती है। सही है, सही है। अब राम जी के जाते हैं, सच्ची आत्मा से जाते हैं, डंडोर लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अर्जी लगाते भगवान भाई सबका भला कर भगवान। सही है, हमारा नहीं सबका करे संसार का, अभी राम जी ने करी पूरे संसार में सबको एक समान।
यज्ञ नहीं किया। अब एक बात और बता रहा हूँ कि मेरा पोता है, इसको भी ऐसी शिक्षा देता हूँ कि बेटा पढ़ाई में ध्यान दे, तू उल्टा सुलटा काम रहते नहीं जाना, सीधे सीधे जाना, सीधे आना। जब तू आगे आगे जब बढ़ेगा कि तू रुचि रखेगा जब, वरना ऐसा कैसे रहेगा। आप लोग भी बच्चों बच्चों के लिए अच्छी रुचि रखो, उनको अच्छी शिक्षा दो, उन पर ध्यान भी दो, जब आगे बढ़ेंगे। गाइस दादाजी अमरूद लाए हैं, अब दादी और दादाजी दोनों खाएंगे। लेकिन इनको चलो काट दिया, अब दादी को भी खिला दो। ये दादी है, पकड़ो, ये मेरी दादी है, ये मेरे दादाजी है। आप भी फल खा लो, इसे ठंडी दूर होती है। खाओ खाओ, ये नहीं खाएंगे आप। अमरूद खाने, अमरूद खाए हैं दोनों। दादी तो खा रही नहीं है, क्यों नहीं खा रही? अच्छा खाओ। दादाजी खा रहे हैं, बढ़िया। ये आप सो जाओ, मैं जा रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, ठीक है, सो जाओ आप। ये गद्दा बचा लिया, ऐसे कर लिया। गाइज मैंने खाना खा लिया, अब वीडियो को एडिट करेंगे, और अभी बज रहे हैं रात के 10। और चलिए आज के वीडियो में इतना ही है। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, लव यू गाइज, बाय बाय। Okay.